बार अपने खाताधारकों को नए साल का खास उपहार दे सकता है। लेबर मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस महीने की शुरुआत में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% का भुगतान करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ दिनों में दे सकता है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड का इंतजाम करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 6 करोड़ सदस्यों के पीएफ ब्याज का पैसा महीने के आखिर तक खातों में ट्रांसफर कर सकता है। इसमें खास बात यह है कि ब्याज का पूरा पैसा एक साथ डाला जाएगा। इससे पहले सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में हुई न्यायिकों की बैठक में ईपीएफओ ने ब्याज के 8.15% और 0.35% को 2 किश्तों में डालने का फैसला किया था। आपको बता दें कि पीएफ के ब्याज का पैसा खाताधारकों के मुश्किल वक्त में साथ देता है। इस पैसे से निजी कंपनियों के कर्मचारियों और रिटायरमेंट के समय नौकरी खोने वाले लोगों को एक ठोस रकम मिल जाती है। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट। डीआईडी में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।